हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि ये वीडियो मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस तो टुडेज टॉपिक इज सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर ऑफ अ नंबर बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि आई रियली नीड द सब्सक्राइबर्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरा चैनल वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिए आपको जस्ट एक बार ही क्लिक करना है सब्सक्राइब के बटन पे राइट एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड बिकॉज दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर गुड वीडियोज़ तो लेट्स स्टार्ट सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर तो सक्सेसर ऑफ नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी नंबर आपको गिवन है उसके अंदर आपको वन ऐड कर देना होता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 80 गिवन है एंड 80 का आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो 80 में अगर आप वन ऐड कर देंगे तो आपके पास 81 आ जाएगा तो दिस इज सक्सेसर ऑफ 80. सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट नंबर राइट एंड प्रोड्यूसर ऑफ अ नंबर प्रोड्यूसर ऑफ अ नंबर क्या होता है जो आपको नंबर गिवन है उसमें से आप माइनस वन कर दीजिए माइनस वन करने से क्या आएगा आपका प्रीवियस नंबर आ जाएगा मीन्स मान लीजिए आपको नाइन्टी इज गिवन नाइन्टी में से आप माइनस वन कीजिए कितना आ जाएगा एटी नाइन ठीक है तो एटी नाइन इज द प्रोड्यूसर ऑफ नाइन्टी मतलब इससे पहले वाला नंबर प्रीवियस वन सक्सेस मीन्स नेक्स्ट वाला नंबर राइट right? तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी कि सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर फाइंड आउट करने का मेथड जो है वो सेम होता है चाहे आप किसी भी क्लास के लिए फाइंड आउट करें वेदर इट इज़ फॉर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स किसी भी क्लास के लिए ओनली द डिफरेंस इज कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स इंक्रीज हो जाते हैं जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हैं जैसे थर्ड क्लास में आपको Two digit के 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 लिए लिए आएगा तो तो में आपको आपको करना होगा अब right? तो हम कुछ examples कर लेते हैं so that आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए नाउलूसर एंड सक्सेसर ऑफ दीज नंबर्स राइट यहाँ पे मैंने फोर एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसके अंदर एक ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा टिपिकल है दिस वन इज़ टिपिकल इन दो टाइप के एग्जाम्पल्स में ही बच्चे कन्फ्यूज होते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोड्यूसर एंड सक्सेसर फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि हमें जो नंबर है उसमें प्लस वन करते हैं तो सक्सेसर आता है माइनस वन करते हैं तो प्रोड्यूसर आता है आप प्लस एंड माइनस करके आंसर्स निकाल सकते हैं राइट वो तो आप इजीली निकाल सकते हैं लेकिन हम ओरली कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे ठीक है वैसे कुछ मुश्किल नहीं है प्लस माइनस आप कर लीजिए आंसर्स

2310 सिंपल 309 है तो 310 लिख दिया राइट right? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहां पे फाइव डिजिट फोर uh, डिजिट था फोर डिजिट फोर डिजिट नाउ दिस इज द एग्जांपल ये आप ध्यान से देखिए 99 99,999 ठीक है अब इसका प्री प्रोड्यूसर uh, लिखेंगे तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो 99,998 ठीक है 98,99 लेकिन जब ही भी अब आप ध्यान से देखिए जब ही भी नंबर में सारे 999 नाइन नाइन डिजिट्स होंगे तब आपको अगर उसका सक्सेसर लिखना होगा तो आप ओरली कैसे लिखेंगे इसके एक ट्रिक है आपको क्या देखना है कितने नाइन आए यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव जीरोज डालिए वन टू थ्री फोर फाइव और आगे वन लगा दिए दैट्स इट और उसके बाद आप इंडियन के हिसाब से या इंटरनेशनल के हिसाब से जो भी आपको दे रखा है उसके हिसाब से कॉमर्स पुट कर दीजिए तो नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन के बाद क्या आएगा वैसे अगर आप देखेंगे तो तो क्या आ जाएगा वन लैख वन सेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख वन लैख बस आपको ये देखना है जब सब नाइन नाइन है कितने नाइन्स हैं फाइव फाइव जीरो लगाई आगे वन पुट कर दिया फाइव डिजिट का नंबर सिक्स डिजिट में चेंज हो जाता है जब सारी डिजिट्स नाइन होती है इजी राइट right? अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं सिक्सटी नाइन लैक्स फाइव थाउजेंड एंड सेवेंटी तो अब आप सिंपल सिक्सटी नाइन लैक्स जीरो फाइव लिखा जीरो फाइव था जीरो फाइव फाइव थाउजेंड एंड सेवेंटी आगे जीरो है हंड्रेड प्लेस पर तो हंड्रेड प्लेस पर जीरो लगाएंगे अब सेवेंटी सेवेंटी से पहले क्या आना चाहिए यहाँ पे हमारे पास हमारे पास आना चाहिए सिक्सटी नाइन तो सिक्सटी नाइन लिख दिया ठीक है अब इसका हमें सक्सेसर लिखना है सिक्सटी नाइन थाउजेंड ओ सॉरी सिक्सटी नाइन लैक्स फाइव थाउजेंड एंड सेवेंटी वन ज़ीरो सेवन जीरो था तो ज़ीरो सेवन वन सेवेंटी वन आ गया राइट अब द नंबर इज़ वन करोड़ वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैख करोड़ तो वन करोड़ हो गया अब मैंने आपको यहाँ बताया कि जब ही भी सारी डिजिट्स नाइन थी तो हमें क्या करना था नेक्स्ट सक्सेसर लिखने के लिए उतनी जीरो लिख देनी थी और आगे वन लगा देना था अब यहाँ पे हमें ये वाला टाइप का नंबर है अब हमें इसका प्रोड्यूसर लिखना है तो अब क्या करेंगे आप पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट डिजिट्स हैं तो आप इसको प्रोड्यूसर लिखना है तो प्रोड्यूसर इसका क्या आएगा सारी डिजिट्स नाइन आएंगी ये मैं बात कर रही हूँ जबकि जब सारी डिजिट जीरो हैं और आगे का वन है तो कितने डिजिट्स काउंट करी हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आप यहाँ पे क्या करेंगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डिजिट्स ही आप सेवन डिजिट्स लिख देंगे लेकिन सारी डिजिट्स क्या होंगी नाइन 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 तो बस कॉमर्स पुट कर दीजिए अब ये वन करोड़ था वन करोड़ से पहले क्या आना चाहिए था नाइन्टी नाइन लैक्स नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन राइट सिंपल तो बस ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा राइट right? अब यहाँ पे जितनी से उससे एक डिजिट कम आ जाएगी राइट right? और एक तरीका तो है ही आप प्लस माइनस करके तो देख ही सकते हैं ये मैं आपको ओरली बताने का तरीका बता रही हूँ ट्रिक बता रही हूँ अब यहाँ पे वन करोड़ है वन करोड़ के बाद क्या आएगा सक्सेसर में वन करोड़ वन आ जाएगा ठीक है यही आ गया ना वन सेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लैख करोड़ वन करोड़ वन ये पूरा वन करोड़ था वन करोड़ वन के लिए क्या लिखेंगे जो वन प्लेस है वहाँ वन लिख देंगे राइट तो होप ये सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा एंड आपको इस टाइप की वीडियोस मेरे चैनल पर और मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में प्ले चेक कर लीजिए अलग अलग क्लासेस के लिए तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगी टिल देन टेक केयर बाय बी एट होम एंड थैंक यू वेरी मच